आफ्टरनून गाइज, इसने पता मेरे साथ में क्या किया, पूरी रात इसने एसी चला के रखा है, ठीक है। और दोस्त को गर्मी में थोड़ी सुलाऊंगी भाई, मोटा वाला ब्लैंकेट, ये वाला इतना मोटा, ये वाला भाई ओढ़ के सोए और मैं मतलब क्या ही बताऊं, मेरा सोना। तो फिर ये मुझे कहती थी मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। अब ऐसी नींद आई है कि एक बज गया मैं पागलों की तरह उठी। तो इसलिए एसी चलाओ, ब्लैंकेट ऐसी कोजी कोजी सी नींद आती है, मजा आता है, कौन समझाए। और देखो अच्छे से सोइए तभी ये बात बोल रही है। तो गाइस अभी बस मैं जाने वाली हूँ, अभी मैं जाने वाली हूँ अपने घर पे चाय पी के। चाय बना दी है, मैंने ही चाय बनाई है बिकॉज इसका अभी गैस पे काम नहीं कर सकती, उसको मना है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है गैस के पास में जाना बिकॉज इसका फेस पे कुछ हो गया था। मेरा मुंह जला है, मैंने इसको इसका फेस जला दिया। कल वो फ्राई कर रही थी ना बैगन, तो मैंने इसके ऊपर छींटे डाल दिए थे। ठीक है, तो अभी बस मैं चाय पी के फटाफट से जाती हूँ अपने घर पे। और आज इतना काम है, इतना काम है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे खत्म करूँ। क्योंकि फटाफट जाती हूँ नहा के, यूं जाती हूँ यूं यूटर्न मार के आती हूँ वापस, क्योंकि इसके साथ बनाना है मुझे वीडियो। और इसको देख के मुझे याद आ गया कि यार कुछ कॉन्सेप्ट बना लेता है, इसी ने बोला कि यार बना ले। मैं सोच रही थी यार क्यों यूज करना ऐसे, बोलते यार बनाना। तो अभी इसके साथ बनाना है वीडियो। एंड उसके बाद आज है निकिता का बर्थडे पार्टी, तो वहाँ पे भी जाना है, उसकी हेल्प करनी है। तो बहुत सारे काम है और लेट उतना हो गया इसकी वजह से 1 बजे उठी और मेरी वजह से लेट हुआ। उठाना चाहिए था ना, पता है। अब सोचो पूरे रूम में अंधेरा है, ठीक है, एसी चल रही है फुल, ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, पता भी सुन के मजा आ रहा हूँ, पता ही नहीं चला कब, मतलब 12:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रही हो, ठीक है, आधे घंटे एक्स्ट्रा मत बोल, आधे घंटे एक्स्ट्रा मत जो 12:30 नहीं 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे तब उठी है भाई। जो मैं तो टाइम देखा, ओ भाई एक होता ना 5 मिनट का नैप लेते बाद में, मैंने आज नहीं लिया। तो बस चलिए, बहुत ऑलरेडी लेट हो रहा है, तो जाते हैं फटाफट से हम चाय पी के और नहा के वापस से फटाफट आती हूँ मैं। भाई को मैंने बुला लिया है कि आ जाए इधर, वीडियो बना लेते हैं, फिर जाऊंगी मैं निकिता के पास में। गुड मॉर्निंग, चीयर्स। मैं आपके साथ चीयर्स कर रही हूं, कोई नहीं कभी कभार चल ले। तो तू उसको प्लग को ऑफ करके लगा ना, मैं पहली वाला यूज कर रहा हूं। हां पहली बार तो यूज कर रहा, तुझे नहीं आता, वीडियो नहीं बन पाएगी, ये दोनों लड़ लेंगे मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा भाई है ही ऐसा, लड़ता रहता जब देखो, काम ही ऐसे रहते उसके। गाइस हमारे साथ पॉपअप होने वाला है। ए अभी चीटिंग है ये इसका इल्जाम, मतलब ये मुझ पे लगाने वाला है। हाँ उसी प्रतिभा के घर पे भी हो रहा था कुछ, प्लग में ऑन हो रहा था किसी में नहीं हो रहा था, सो पता नहीं हमारी लाइट जलने वाली है कि नहीं जलने वाली, पता नहीं। जली वो प्लग का इशू है, लाइट का नहीं है, ये इसका इशू है, इसका हाँ है, वो प्लग सेट नहीं हो रहा है, जैसे मेरे घर में तो हो जाता है, जहाँ पे लगा वहाँ पे ऑन हो जाती है, परसों भी ऐसे ही हो रहा था प्रतिभा घर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ कहाँ हम लगाने वाले हैं ताकि हमारी लाइट जल सके। तो से रोमांटिक सीन नहीं होते थोड़े से भी, लड़की अनकंफर्टेबल होती है तेरे से नहीं भाई, हद है भाई, वैसे कैमरे के पीछे देखो। सच में यार हद है यार, ये भाई तू एक्टिंग कर रहा है अभी फिलहाल, प्रॉपर फील चाहिए हमको प्रॉपर, ठीक है रेडी। गाइस हमारा शूट हो गया है और मैंने यहाँ पे पूरा फेस पैक लगा रखा है क्योंकि सीन था हमारा इसीलिए, और अभी कोमल अपना फेस धो रही है,
हमारा सीन पूरा नहीं हुआ है, एक तो इसको मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ, तो हमने दूध मंगाया था, हमारा दूध आ गया है चाय पीने के लिए, और फटाफट से मैं वीडियो एडिट करूंगी क्योंकि मेरे पास ना वीडियो नहीं है। एडिट करके दोनों की डबिंग लेके फटाफट से भागूंगी चेंज करके निक्की के पास में जाना है, मतलब निकिता के पास जाना है क्योंकि उसकी तैयारी कर करानी है। ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो रहा है। सो मैं मेरे भाई को एक बात बोलना चाहती हूँ, वो ये नेक्स्ट टाइम से ना शूट हो रहा है एक दो कॉस्ट्यूम लेके जाना चाहिए। सॉरी हमने यहाँ बनाई क्या कॉस्ट्यूम? फिर भी फिर भी बना कौन रहा ये? एक सेकंड, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, मान ले मैं आज चल नहीं था कि हाँ चल यहाँ पे तो मैं चेंज करूँ, मुझे पता है यहाँ कोमल है तो कोमल का चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहीं पे ऐसे जा रही हूँ जहाँ पे मुझे कपड़े नहीं, मैं अपना उसका पहन सकती या वहाँ पे लड़की नहीं है, जैसे भाई के घर पे मैं शूट करती हूँ, मैं हमेशा दो जोड़ी लेके जाती हूँ कि हो सकता है चेंज हो जाए। इसको सिर्फ लड़ना आता है, सिर्फ लड़ना आता है। मेरे पास कपड़े नहीं है, उसको जाके दूंगा, इसको पहन लो। गाइस, इसके पास इतने कपड़े किसी लड़की के पास कपड़े नहीं होंगे, झूठ बोलता है एक नंबर का। सच में दिए दो चार प्यूमा के भेज दो, कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड। बहुत बड़े वाला है मेरा भाई, बहुत बड़े वाला है। अब बड़े वाले तुम समझ जाओ क्या हो सकता है। और कमेंट में बताओ कि मैंने क्या बोला है, बहुत बड़े का मतलब क्या क्या हो सकता है, लोग क्या क्या समझते हैं, क्या है बहुत बड़े वाले का मतलब क्या है, ठीक है। बहुत बड़े वाला अमीर है, बहुत बड़ा समझदार है, वही तू क्यों बता रहा है? अच्छी बात है, ये अपने लिए ऐसा सोच रखता है, बहुत अच्छी बात है ना। तो चलो मैं अभी जाके फेसबुक कर लेती हूँ, चाय बनाते हैं। मेरी शादी हो चुकी, मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल छोड़ के अपनी मायके बैठी रहती हूँ। जब देखो गाइस, इस बंदे से ना एक बैलून नहीं फूल रहा है, फुस कर दिया। क्या कर रहा है? जीत का नहीं, विजन का पेट खराब हो गया है। नहीं हो पाएगा, उसकी हवा निकली हुई है, उसकी देखो इधर से कहीं से हवा निकली हुई है, रहने दो, इसमें मेहनत करो। इतनी देर से पता नहीं तुम्हें जानबूझ के कर रहा हूँ। गाइज, आज हम करने वाले टेरिस पे पार्टी, ये सो यहाँ पे बाहर लाइटिंग वाइटिंग हो चुकी है, पूरा प्रॉपर फील। ज़्यादा लाइटिंग हमने अंदर बाहर नहीं की क्योंकि थोड़ी कम लाइट चाहिए, और इधर डेकोरेट हो चुका है केक कटिंग के लिए, ये वाला यहाँ पे केक कटिंग करेंगे। सो पूरा फुल माहौल है पार्टी का। काम कर रहे हैं, चल मैं हैप्पी बर्थडे करके आता हूँ। तो गाइज, पार्टी के बाद मैं आ गई हूँ कोमल के पास में क्योंकि मैडम को नींद नहीं आ रही थी, ठीक है।
तो हमको बुला लिया है और मुझे तो इतनी गंदी नींद आ रही है ना, मेरी आंखों से समझ में आ रहा हो, खतरनाक वाली नींद आ रही हो, हेडेक भी हो रहा है मुझे, इससे ज्यादा मुझे आ रही है। ये तो कल कुंभकर्ण के दास चाहिए, मैं कल से सोई नहीं। बहन सुबह उठा दी और रात को बीच में थोड़ा सा एसी बंद कर देना, कुल्फी जमाया हुआ था इसने। सीरियसली तू बेटा एसी में रहती है लेकिन मैं नहीं रहती हूँ, ये कंबल किस लिए है? अरे मेरे को ऐसा हो रहा था कि अगर हल्का सा भी नीचे हुआ ना बहुत ठंडा होकर रखा था भाई, मतलब एक सेकंड के लिए इसने एसी बंद नहीं किया था, तो आज थोड़ा सा बंद कर देना, बीच में करना होगा तो याद आए, नहीं भी करेगी कल रिमोट नहीं मिल रहा था ना तो अच्छा। फिर मैंने बाहर जाके बंद किया था। अच्छा देखिए सुबह उठा दियो, सुबह फोन प्लीज अपना उस पे रख लो, क्यों मेरा फोन तो बजा बजता है, मैसेज बजता है, मुझे किसका मैसेज आया भाई? अरे बज रहा था बात तो नहीं, मैं अलार्म लगाऊंगी 10:30 बजे का। साढ़े दस बजे का अलार्म लगाऊंगी मैं, और जरूर तो बस गच्चे लेकर आए, बहुत जोरों से नींद आ रही है और अभी तो मुझे व्लॉग भी एडिट करना है और जल्दी से उठना है, बस मैं आज की तरह ना हो जाए कि मैं 1 बजे उठूँ वापस से, पूरा ना काम स्पॉइल हो जाता है पता है, कि 1 बजे आप उठ रहे हो, 12 बजे भी उठ रहे हो, अब कब उठोगे, कब आप फ्रेश होगे, कब आप नाश्ता करोगे, कब आप नहाओगे, कब आप बाकी काम करोगे, तो नहीं हो पाता है। प्लीज़ सुबह उठ जाना, मुझे भी उठा लेना जब भी उठ जाए। तो बस चलिए वापस से शूट करना है, वापस जो आज किया था ना वही सेम कंटिन्यू करना है कल इसके लिए। तो बस अभी हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू सून।